फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू अंडे की बिरयानी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूँ हैं। राइस मैंने लिए थे 2 1/2 कप, उसको मैंने आधा घंटा सोक कर लिया था और उसको मैंने 2 चाय के चम्मच नमक डाल के और 1 खाने का चम्मच गर्म मसाला डाल के इसको बॉईल कर लिया था और 1 कली रहने दिया था ताकि ये दम पे फिर ये हो जाए नरम। अगर वो फुल डन करती तो जब दम पे सारी चीज़ें जानी थी तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाने। और आलू लिए हैं मैंने स्मॉल साइज़ के, आजकल ये स्मॉल साइज़ के आ रहे हैं तो ये पूरे पूरे साबुत अच्छे लगेंगे बिरयानी में। अगर आपके पास बड़े साइज़ हैं तो आप उसके 2 या 4 पीस कर सकते हैं अपनी मर्जी से। 2 दरमियानी प्याज ले ली थी मैंने, उसको मैंने चॉप कर लिया। 2 बड़े टमाटर, इसको भी चॉप कर लिया। 1/2 कप दही, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 6 से 7 आलू बुखारा, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, सबस इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून, जावित्री पाउडर 1/4 टीस्पून, 2 लेमन लिए थे मैंने, इसको स्लाइस कर लिया। 1/2 कप धनिया, इसको मैंने बारीक काट लिया, और पुदीना भी 1/2 कप, 6 उबले अंडे हैं और क्यूरा वाटर फ्यू ड्रॉप्स। एक फ्राई पैन ले लिया, इसमें 1/2 कप ऑयल डाल के प्याज डाल के चॉप इसको लाइट पिंक कर, ये प्याज देखो लाइट पिंक हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं आपने डाल करना। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। लहसुन, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अदरक, मिर्च का पेस्ट, ये तीनों चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट इसको भून कर अब टमाटर ऐड करेंगे। और जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले आलू बुखारा डालूंगी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, पेपरिका पाउडर, 1/2 कप दही। दही डाल दिए, अब अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लेंगे। कवर करके इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लूँगी। हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि आलू अच्छी तरीके से पक जाए, और अगर आपके आलू नहीं गल रहे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये आलू पक चुके हैं, अब मैं इसके अंदर नींबू की स्लाइस डाल दूँगी, जावित्री पाउडर डाल दूँगी, सबज़ इलायची का पाउडर डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर अंडे ऐड करने लगूँ। अंडे डालकर हरी मिर्च डाल दूँगी, पुदीना, हरा धनिया, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ इसको हमने इसको मिक्स करना है ताकि अंडे और जो मसाले सारा कुछ डाला है वो मिक्स हो जाए। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और हम चावलों के अंदर मिक्स करते हैं इसको। मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दी, अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी। अब इसके अंदर सारा मसाला ऐड कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर चावल ऐड कर दूंगी सारे। ये चावल नीचे डाल दिए थे और आधे बचा लिए थे, आधे मैंने ऊपर डाल दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर पुदीना डाल दूंगी, हरा धनिया डाल दूंगी, थोड़ा सा जर्दा कलर ले लिया है। अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स क्यूरा वाटर डाल के मिक्स करके ये ऐड करना है। अब इसके ऊपर डाल दूंगी, सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब कवर करके इसको 15 मिनट के लिए दम पे दे दूंगी। चावलों का दम हो गया, ये देखिए ज़बरदस्त से आलू अंडा बिरयानी तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैंने डिश आउट कर दी है, आलू अंडे की बिरयानी तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।